हेलो बच्चों, आज आपको स्पीयर ऑफ डेथ वीडियो के साथ समझाने की कोशिश की जाएगी। तो देखिए, ये आदमी स्पीयर ऑफ डेथ में इस तरीके से घूम रहा है। देखिए, अब ये बीच में घूम रहा है, ठीक है। धीरे 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 जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ेगी, ये देखिए, ये ऊपर घूमेगा। देखिए अब ये कैसे घूम रहा है, सीधा सीधा सीधा। लेकिन अब इसके पीछे की आपको साइंस समझाता हूँ क्यों इस तरीके से घूम पा रहा है, इसके लिए रिक्वायर्ड वेलोसिटी क्या है और क्या इसके पीछे की साइंस है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं अगर आपको एक इस तरीके से, इसे वर्टिकल सर्कुलर मोशन कहते हैं जो ये पहले कर रहा है, ठीक है। इस तरीके से घूम रहा है, तो यहाँ जाने के बाद इसकी जो वेलोसिटी है बच्चों, वो है रूट आर जी। अगर रूट आर जी वेलोसिटी से ये यहाँ नहीं जाता है तो ये बीच में ही कहीं गिर जाएगा, ठीक है। इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे वेलोसिटी बहुत मेन है। यहाँ पे इसकी वेलोसिटी है 5 RG, ये कम से कम वेलोसिटी है जिसके बाद ये सर्कल कंप्लीट कर सकते हैं। इससे ज्यादा तो चलेगी लेकिन इससे कम नहीं, ठीक है। अगर ये वेलोसिटी √2 RG रहे, ये पॉइंट ए पे सपोज, तो ये यहाँ पे जाके वापस आ जाएगा और ऊपर जाने की कोशिश करेगा तो धड़ाम से गिर जाएगा, ठीक है। तो वेलोसिटी का पूरा खेल है बच्चों। वेलोसिटी के कारण यहाँ टेंशन क्रिएट हो रहा है, टेंशन नॉर्मल रिएक्शन दे रही है। क्या दे रही है? नॉर्मल रिएक्शन, मतलब इस तरीके से नॉर्मल रिएक्शन अंदर सेंटर की तरफ जा रहा है। ये एक्चुअली मोशन है ऑफ अ स्ट्रिंग, मतलब एक स्ट्रिंग का मोशन, जैसे कि आप स्ट्रिंग को एक स्टोन बांधो और उसको घुमाओ, तो उसी तरीके का मोशन है। लेकिन यहाँ स्ट्रिंग के जगह ये जो है, ये अंदर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन प्रोवाइड कर रहा है, ये जो वॉल है ये, ठीक है। तो इस नॉर्मल रिएक्शन को मेंटेन करने के लिए वेलोसिटी बहुत जरूरी है, जो कि है √5 RG। पूरा अगर सर्कल इसे कंप्लीट करके आना है ऊपर से, तो क्योंकि ऊपर टेंशन जीरो हो जाती है और यहां से जब ये नीचे आएगा तो ये पूरा वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड है ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन। तो मिलते हैं ऐसे ही वीडियोस के साथ अगले लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।